मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए मेरे प्रिय भाइयों बहनों जो यहां बैठे हैं, उन सब साथियों से भी आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के हम रखेंगे, तभी हम आदर्श उपस्थित कर पाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम ही स्वास्थ्य आग्रह का कार्यक्रम है। मेरे प्रिय मित्रों, कोरोना का संक्रमण एक बार फिर विकट स्वरूप धारण कर रहा है। जबलपुर जैसे शहर में हमने देखा है, हम छिंदवाड़ा देखें, सिवनी बालाघाट देखें, या छत्तीसगढ़ से लगा हुआ अनूपपुर हम देखें, तेजी से पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इसका एक उपाय तो यह है कि हम इलाज की व्यवस्था करें, प्राण प्रण से हम कोशिश कर रहे हैं कि इलाज में हम कोई कसर ना छोड़ें, कोई कमी ना छोड़ें। दूसरी बात है अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, उसका प्रयास भी हम कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर हर प्रयास करेगी। अगर कोई ऐसी बीमारी होती कि सरकार केवल इलाज करती ठीक हो जाती तो मैं आपको कष्ट नहीं देता, लेकिन ये तो फैलने वाली बीमारी है जो भयानक रूप से फैल रही है और संकट विकट हो रहा है। मैं भी बेचैन हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई घबराया हुआ हूं। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं और हर हालत में संकट को रोकेंगे, ये दृढ़ संकल्प है। लेकिन रोकना है तो जनता के जागरण के बिना यह संकट नहीं रुक सकता, क्योंकि यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, और इसलिए जनता को जागरूक जब तक नहीं करेंगे तब तक यह संकट टलेगा नहीं। इस तेजी से अगर संख्या बढ़ती गई तो अस्पताल में बिस्तर की भी तो संख्या है, आखिर कितने बिस्तर करेंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे हम। उसके कुछ उपाय कल मैं घोषित करूंगा, लेकिन जनता को जगाना पड़ेगा। उपाय है लॉकडाउन, लेकिन वो सबसे आसान उपाय है, काम धंधे ध्वस्त, अर्थव्यवस्था और जनता पस्त हो जाती है, उस पर नहीं जाना। केवल संडे का लॉकडाउन या दो दिन का लॉकडाउन, अलग अलग जिलों के हिसाब से वो फैसला करें, लेकिन परमानेंट लॉकडाउन नहीं। लॉकडाउन नहीं तो फिर मास्क की जरूरत है, सुरक्षित दूरी की जरूरत है, सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की जरूरत है, वैक्सीनेशन तेजी से करने की जरूरत है। और एक उपाय और के कोरोना प्रभावित ना करे, इसलिए स्वामी रामदेव जी महाराज और बाकी संतों ने जो कहा है, योग और प्राणायाम के माध्यम से और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की भी जरूरत है, तो वो भी एक जागरूकता का कार्यक्रम है। गिलोय के साथ तुलसी, उसका काढ़ा पियो, फायदा होता है, वो एक पक्ष है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। लेकिन आज मुझे लगा कि जनता अगर नहीं जगी, कई शहरों में आप देख रहे हैं, हम मेरे सामने ऐसे जिले बैठे हैं जहां अभी भी बहुत लोग मास्क लगाते ही नहीं, और मास्क नहीं लगा तो संक्रमण बढ़ रहा है, रुकेगा नहीं। और इसलिए हमने ये स्वास्थ्य आग्रह का मतलब यह कि जनता खुद चेते, हम जनता को जगाएं कि लोग मास्क लगाएं, जो उपाय मैंने अभी बताए वो उपाय करें। और आग्रह इसलिए कि मुझे लगा के अपील करने पे उतने मास्क नहीं लग रहे, तो एक नैतिक दबाव डालूं, मैं खुद बैठ जाऊं 24 घंटे और कहूं कि भैया नहीं लगाओगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, अस्पताल भरते जा रहे हैं। इसलिए जनता से नैतिक आग्रह करने के लिए मैं बैठा हूं, और मुझे खुशी है कि अलग अलग समाज के वर्गों ने, संगठनों ने आज स्वास्थ्य आग्रह को अपना समर्थन दिया है। आप भी सब जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस अभियान का साथ दीजिए। इसमें हमने एक व्यवस्था की है, मैं कोरोना स्वयं सेवक, मैं कोरोना वॉलंटियर। मेरा आप सबसे अपील है कि कोरोना स्वयं सेवक के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाइए, और रजिस्टर करवाने के लिए 1-8-1 पे आप कॉल कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक पोर्टल है MP MyGov.in, इस पर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, संस्था रजिस्ट्रेशन अपने कार्यकर्ताओं का करवाएगी, उसको जिले के स्तर पर ही
जवाबदारियां दी जाएगी, चाहे मास्क के लिए रोको टोको हो या फिर वैक्सीनेशन के काम में सहयोग मांगने का हो, उसके विस्तार में मैं समय नहीं ले रहा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे आपको सुनना है, चाहे और कोई काम हो देंगे। मैं चाहता हूँ आपकी सक्रिय भागीदारी चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए जी। रीवा जिले से डॉक्टर ज्योति सिंह, जो कि प्राध्यापक हूँ और विभागाध्यक्ष हैं बाल एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेज रीवा की। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और जन चेतना को जागृत किया था, आज आपने स्वास्थ्य आग्रह किया है और निश्चित रूप से इसके पूरे प्रदेश में इसका असर होगा और तमाम लोग इससे जुड़ेंगे। हम लोग स्वयं आपसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगी कि हम लोग रीवा में कलेक्टर महोदय के निर्देशन और डॉक्टर HP सिंह सर के संचालन में ज्ञान गंगा कार्यक्रम कर रहे हैं और यह कार्यक्रम में हमारे साथ में कॉलेज के और विद्यालय के लगभग सारे छात्र पूरे जिले के सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा हम लोग पूरे रीवा जिले में टीकाकरण, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग का संदेश सबको भेज रहे हैं। उनसे ये भी आग्रह कर रहे हैं कि बच्चे अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को और परिवार में जितने वरिष्ठ उनके जन हैं उनको सबको टीकाकरण के लिए आगे लाएं, सब लोग मास्क लगाएं और मास्क के लिए अपने घर में सबको प्रेरित करें। और इस प्रकार से ये कार्यक्रम है कि इसके द्वारा हम लोग चाहें तो पूरे प्रदेश में और भी ज्यादा वॉलंटियर्स बना सकते हैं और उसमें जोड़कर इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से आपका यह जो प्रयास है वो सफल होगा, मुझे इसकी पूरी आशा ही नहीं विश्वास है और हम सब आपके साथ इसमें खड़े हुए हैं। और अभी किसी ने योग के बारे में एक लाइन कही थी, कोरोना से जो मृत्यु होती है वो पैनिक की वजह से होती है, घबराहट से होती है। यदि हम योग से जुड़े रहते हैं तो ये पैनिक कम हो जाता है और जो पॉजिटिव एंडोर्फिन्स होते हैं वो निकलते हैं जिसके कारण मृत्यु होना थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से सभी को चिकित्सालय में भी और घरों में भी योग से जुड़ना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी पॉजिटिव हुआ था लेकिन चूंकि योग और प्राणायाम करता था तो कोरोना ज्यादा असर नहीं डाल पाया। अस्पताल भी गया तो डॉक्टर अभिजीत मेरे साथ है, दिनों रात वहां भी काम करता रहा और बाहर निकल के आ गया। धन्यवाद। रीवा से ही अब मैं श्री मोहित टंडन से अनुरोध करूंगा, जो युवा उद्योगपति हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो अपने विचार रखें। मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत आग्रह है कि सत्याग्रह के जैसा एक अभियान आपने चलाया है और व्यापारियों की तरफ से मैं, क्योंकि हमने छोटे व्यापारी से लेकर, मैंने पिछले कई सालों में छोटे व्यापारियों से लेकर आज हम इंडस्ट्रीज तक चला रहे हैं, जो छोटे व्यापारी घर से लेकर मीडियम स्केल के व्यापारी घर से लेकर इंडस्ट्रीज तक हम सारी यूनिट्स में इन्वॉल्व हैं और मुझे मालूम है कि इंडस्ट्री या जो भी कोई व्यापार है, एक व्यापारी रीढ़ की हड्डी जैसा काम करता है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इनफैक्ट पूरी कंट्री के लिए। और क्योंकि एक एक व्यापारी चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उसके पीछे बहुत सारे घर चलते हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, बहुत सारे घर चलते हैं। इस वक्त मुझे मालूम है कि एक और एक 11 होकर काम करने का वक्त है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद साधुवाद देना चाहूंगा जिस तरह से आपने कुछ ना कुछ नई सोच के साथ में आप आते हैं, किस तरीके से आज हमारे शासन प्रशासन रीवा में भी जो कुछ भी हमारे विधायक सांसद, हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे कमिश्नर महोदय, जिसने भी काम किया है वो बहुत अच्छा किया है, एक और एक 11 बनकर काम किया है। समाज के अंदर जिस प्रकार से आज मास्क के लिए और आपने ये जो आज करके दिखाया है, ये वाकई में एक सत्याग्रह से कम नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज है ये आज लोगों के लिए और इसको देखकर बहुत सारे लोगों के अंदर ये भावना जागेगी कि जब आप ये कर सकते हैं, सत्याग्रह पे आप बैठ सकते हैं तो मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। एक निवेदन मेरा जरूर रहेगा क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ये सही बात अभी कोई कह रहे थे कि व्यापारी हमेशा मांगते हैं क्योंकि भाई क्योंकि व्यापारियों के ऊपर भी हर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। मैं एक चीज बस ये जरूर बोलना चाहूंगा कि छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक जो कुछ भी पुरानी गवर्नमेंट की स्कीम के लिए सब्सिडी जो कुछ भी प्रोवाइड करी जाती थी उनको सरकार इस वक्त डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत सारा लोड है, फाइनेंशियल लोड है, लेकिन वो भी जितने
जितनी जल्दी रिलीज कराने की कोशिश करेगी तो वो बहुत बड़ा बैकबोन बनकर आएगा कहीं ना कहीं, और व्यापारियों की जो स्थिति है कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, तो उस रीढ़ की हड्डी को, फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी को टूटने से बचाएगा। और एक चीज कही जाती है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में भाया। तो मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति अराइज होती है तो पहले हम काया को, यानी पहले हम लोगों को बचाने की कोशिश करें। अगर हम थोड़ा फाइनेंशियली लॉस में भी जाएंगे तो हम वापस स्टैंड हो जाएंगे, लेकिन अगर हम हमारे लोगों को खो देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके लिए अगर आपको एक दिन की जगह दो दिन भी लॉकडाउन लगता है तो व्यापारी आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे।